नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं और इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आइए बच्चों, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 पर। और देखिए यहां पर जो लिखा है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मेडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मेडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं ए बी और ए सी और ए डी ये इक्वल प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और पी एम रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। आइए सबसे पहले बच्चों इसमें लिख लेता हूँ जो जो इसमें गिवन है वो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखिए गिवन में मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर गिवन में है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मेडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हैं टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मेडियन पी एम। ठीक है बच्चों, ये प्रोपोर्शन दी हुई है, साथ में मैं लिख देता हूँ, इसमें भी लिख देते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर और इक्वल है ए डी बाई पी एम। ठीक है बच्चों, ये इसमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूँ। हमें प्रूव करना होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, देखिए दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाई है और साथ में मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दी है की कर दी है, मैं अभी लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन आपको। देखिए बच्चों, हम इन ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं या तो हम थ्री साइड से कर सकते हैं या थ्री एंगल से कर सकते हैं, यानी एटलीस्ट टू एंगल होना जरूरी है, या फिर साइड साइड एंगल से हम कर सकते हैं। थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, टू साइड तो ये प्रोपोर्शनल दी हुई है, थर्ड इसमें साइड गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल को इसको हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। और इसके लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन की है और सबसे पहले देखिए मैं लिख देता हूँ पहले, चलो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, प्रोड्यूस ए डी टू जी। ठीक है बच्चों, सो दैट ओहो यहां पर ए डी इक्वल डी जी एंड ज्वाइन जी टू सी। ठीक है बच्चों, ये जी टू सी। अच्छा दूसरी भी करनी है, प्रोड्यूस पी एम टू एच सो दैट, यहां पर मैं लिख देता हूं पी एम इक्वल एम एच एंड ज्वाइन एम ओ सॉरी एच टू आर। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए ज्वाइन हो चुकी है। अब हमारे पास देखिए ये एंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए इनको कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए इन ट्रायंगल, ये आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी ए क्यू एम पी क्यू एम, ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले इसका तो बी डी सॉरी पी क्यू एम नहीं, ये गलती से लिखा गया, ये वाली ट्रायंगल लेंगे,
ABD और DGC, DGC, ठीक है, ये लेंगे तो इसका तो BD इक्वल होगा DC, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि AD इज ए मेडियन, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसमें इसका AD इक्वल होगा DG, क्यों होगा, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से हो गया। अच्छा, अब देखिए ये दोनों तो होगा, अब फिर ये एंगल भी BDA या ADB हम लिख सकते हैं, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल GDC, GDC, ठीक है, वर्टिकली पोजिट एंगल, ये एंगल, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DGC साइड एंगल साइड से, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो इसका मतलब इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है AB इक्वल होगा GC के, ये हम लिख लेते हैं ताकि ये काम आएगा ये इक्वेशन, ठीक है, 1 लिख देते हैं और C इसमें लिख देते हैं CPCT, ठीक है बच्चों, ये वाला। अच्छा, सिमिलरली, अच्छा अब नाउ देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में भी लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, अब ये ले लीजिए ट्रायंगल PQM और HMR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQM एंड ये ले लेते हैं, इसमें देखिए बच्चों थोड़ा सा ट्रायंगल HMR, इस ट्रायंगल के अंदर भी QM इक्वल है MR, ठीक है, क्यों है, क्योंकि PM क्या है, मेडियन है, PM इज ए मेडियन, ठीक है, मेडियन हो गई। अच्छा, तीसरी चीज इसमें PM इक्वल है MH, ये बाय कंस्ट्रक्शन से किया हमने, ये आप देख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है बच्चों। तीसरा फिर इसमें वही एंगल देखिए, आप सकते हैं ये और ये दोनों एंगल, ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल को आप देख सकते हैं, इसका नाम है PMQ एंगल, PMQ इक्वल होगा एंगल HMR, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं इसको, एंगल्स, ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी 3 प्रॉपर्टी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो लिख सकते हैं PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HMR, ठीक है बच्चों, ये भी साइड एंगल साइड से हो गई। अच्छा, इसकी भी कोरस्पोंडिंग साइड लिख लेते हैं, PQ इक्वल होगी HR के, ठीक है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन आ गई और यहाँ पर CPCT से ये आ गया, ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आइए नेक्स्ट पेज पर मैं अब करता हूँ आपके लिए। अब बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए बट AB बाई PQ, ये बट रहने देते हैं, AB बाई PQ एंड AC बाई PR एंड AD बाई PM, ये गिवन है, ठीक है बच्चों, इसको मैं अलग रख देता हूँ, गिवन है बच्चों ये, ठीक है। अच्छा, अब देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से जो हमने लिया था, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2 से हम क्या देख सकते हैं, AB किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर GC के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर PQ किसके इक्वल आ रहा है, HR के, तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, GC लिख सकते हैं, और PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, HR लिख सकते हैं, इक्वल AC बाई PR, और AD का हम डबल कर दें और ठीक PM का भी डबल कर दें तो भी ठीक होगा, इक्वल रेशो रहेंगे तो भी ठीक है ना बच्चों, ये इक्वल रेशो रहने वाले, क्यों डबल कर दिया,
क्योंकि देखिए बाइक कंस्ट्रक्शन से हमने किया था, ये जो बाइक कंस्ट्रक्शन लिखा है बच्चों, ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो ये है ना एडी, एडी का डबल, अच्छा अब आगे देखिए और करके मैं लिख देता हूँ, और करके इसमें जीसी बाई एचआर इक्वल एसी बाई पीआर, और ये एडी का डबल क्या होता है एजी, तो एजी बाई, और पीएम का डबल क्या होता है पीएच, ठीक है बच्चों। ये बाई कंस्ट्रक्शन में हमने किया था कि आगे तक प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा ये हो गया ना, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ थर्ड। अब देखिए इन ट्रायंगल, ठीक है इन ट्रायंगल एजीसी, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए एजीसी, अब इससे क्या होगा ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ट्रायंगल ले लीजिए एजीसी, इन ट्रायंगल एजीसी एंड ट्रायंगल दूसरा ले लेते पीएचआर, पीएचआर ये भी आप देख सकते हैं पीएचआर ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल इस प्रकार है देखिए, जिसमें ट्रायंगल में जी सी बाई एच आर इक्वल ए सी बाई पी आर, ठीक है बच्चों, और इक्वल ए जी बाई पी एच, तो ये तीनों आ गए, तीनों साइड इसमें आ रही हैं, तो तीनों साइड आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए जी सी सिमिलर ट्रायंगल पी एच आर, ठीक है बच्चों, साइड 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 क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिमिलरिटी, ठीक है बच्चों ये आ गया। अब ये सिमिलरिटी सिमिलर हो चुके हैं, तो इसका मतलब बच्चों देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, ए जी सी और पी एच आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, मैं लिख देता हूँ एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, ठीक है बच्चों। क्यों इक्वल होगा, देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मैं लिख देता हूँ कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों ये सिमिलर ट्रायंगल्स के होते हैं, आई बात समझ में। अच्छा अब देख सकते हैं बच्चों, देखिए दोनों ट्रायंगल दोनों एंगल सिमिलर आ गए, और सिमिलरली वी हैव, हम कर सकते हैं वी है एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, देखिए मैं इसको थ्री लिख लेता हूं और इसको फोर लिख लेता हूँ, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, अब की बार जो सी जी हमने ये ज्वाइन किया था, आप बी जी को ज्वाइन कीजिए और इधर पी एच आर की जगह आप एच के को ज्वाइन करेंगे, ठीक वही स्टेप इसमें लेने जो इसमें लिए थे, तो आपको अगर ये एग्जाम में आता तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे जो जैसा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चाहे तो आप इधर वाला कर लीजिए, चाहे इस साइड का कर लीजिए, यानी कहने का मतलब एक ही साइड का कीजिए और सेकंड को आप इस तरह लिख दीजिए, ठीक है एग्जामिनर समझ जाएगा। तो ये जो एंगल वन इक्वल एंगल टू आया था ये मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एड कर देते हैं, एड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ को ऐड कर देते हैं, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री और इक्वल एंगल टू प्लस एंगल फोर। अच्छा वन और थ्री को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल बन जाता ए, और ठीक है और ये टू और फोर को करेंगे तो एंगल बन गया पी, ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, दोनों को प्लस करने पे ए बन गया और इन दोनों को प्लस करने पे पी बन गया, ठीक है बच्चों ये आ गया। अब मैं इस इक्वेशन दे देता हूँ, इसको सिक्स इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसमें ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए देखिए क्या दिया हुआ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर, ये गिवन है बच्चों, ये तो गिवन है ना, मेडियन से अलग ये गिवन है, और एंगल ए इक्वल एंगल पी, ठीक है बच्चों। प्रूव इन किसमें किया, ये इसमें किया है ना, प्रूव इन सिक्स्थ, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल प्रूव हो चुका है, ए बी सी
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, और मैं लिख देता हूं क्राइटेरियन सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इसमें से देखकर बच्चों आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई मेरे को लगता कि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मतलब इसको समझा जाए। फिर भी एग्जामिनर का दिमाग का कुछ नहीं कह सकती कि कौन सा क्वेश्चन वो एग्जाम में दे दे, इसलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।